जय जोहार संगवारी हो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल छत्तीसगढ़ राइडर में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो। आज हम आपको बताने वाले हैं पंचकोशीय धाम का तीसरा मंदिर ब्रह्मनेश्वर महादेव जी का मंदिर ब्रह्मानी या बम्मी। यह राजिम से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और चंपारण से 9 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह पंचकोशीय धाम का तीसरा पड़ाव होता है। यात्री यहां तीसरी बार दर्शन के लिए आते हैं। इस गांव का नाम है ब्रह्मानी। यह ब्रह्मानी नदी या बधनई नदी के किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। मंदिर परिसर में एक बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे प्राचीन मूर्तियों को रखा गया है। मंदिर के आसपास बहुत ही सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर ये जो मूर्तियां हैं वह बहुत ही प्राचीन हैं। आप जैसे ही सामने आएंगे आपको मुख्य मंदिर दिखाई देगा। श्री ब्रह्मनेश्वर महादेव जी का मंदिर। आप जैसे ही मंदिर के सामने खड़े रहेंगे, एक तरफ है नंदी जी और एक तरफ सिंह की मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं श्री ब्रह्मनेश्वर महादेव जी का। यह मंदिर पहले इस तरह नहीं बना हुआ था। कुछ सालों पहले ही यह मंदिर बहुत अच्छे से बनाया गया है। मंदिर के सामने आप जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको सामने नंदी जी दिखाई देंगे जो कि यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही अंदर आएंगे आपको श्री ब्रह्मनेश्वर महादेव जी का दर्शन प्राप्त होगा। यह जो शिवलिंग है इनका समय समय पर विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना किया जाता है। पूजा अर्चना तो हर रोज ही किया जाता है पर श्रृंगार विशेष कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाता है। ब्रह्मनेश्वर महादेव की यह शिवलिंग अघोर वाली शिव की मूर्ति है, अर्थात इनका पूजन यहाँ अघोर के रूप में किया जाता है और इनकी शक्ति है उमा देवी जी। अघोर महादेव ब्रह्मा के आनंदमय स्वरूप में पूजे जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो अघोर स्वरूप को पहचान लेते हैं या आनंदमय स्वरूप को पहचान लेते हैं वह कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। वैसे हम अपने आम जिंदगी में जब भी हम अघोर को देखते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे बहुत ही अंदर से शांत होते हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। तो महादेव जी का यहाँ अघोर के रूप में पूजा अर्चना किया जाता है। मंदिर को लाइट से सजाया भी गया है। यहाँ जो कुंड है इसका पहला स्रोत दूध के समान सफेद होने के कारण इसे श्वेत गंगा या श्वेत गंगा भी कहा जाता है। और इस गांव का नाम है ब्रह्मानी या बम्हनी, इसीलिए यहाँ जो शिवलिंग जी विराजमान है इनका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव रखा गया। ये जगह के कहानी शुरू होते यहाँ निकले श्वेत गंगा कुंड ले। पहली ये मंदिर क्षेत्र मा घनघोर बियाबान जंगल रही। ये क्षेत्र के माल गुजार हा ये जंगल मा रोज घूमे भर आए। एक दिन ये बर पेड़ के नीचे मा ओला एक झन साधु हा तपस्या करत दिखी।
तपस्या करत साधुला मालगुजार हा बिनती करीस और बोलीस कि महाराज आप मन हा यहाँ बिहड़ जंगल में का करत हो, चलो आप मन हा गाँव में रहू, आप मन के रहे खाए के व्यवस्था ला हमन हा कर देवो, ओकर बदला में आप मन हा पूरा गाँव वाला मन ला भजन कीर्तन सुना दुहू। यहाँ के पहली धार हा दूध का सफ़ेद रंग में निकली, ओकर सेती एला श्वेत गंगा के नाम धरी। कुछ दिन बाद वही जगह ले भुइया ले महादेव के शिवलिंग हा निकली। गाँव वाला मन हा साधु ला पूछी एकर का नाम रखन, ता साधु जी हा बोलीस ये गाँव के नाम बमनी है, ता आज ले ये महादेव ला ब्रह्मनेश्वर महादेव के नाम ले जानी। ये कुंड के जलधारा ला गंगा मैया के समान पवित्र माने गए है। सावन के महीना में कांवरिया मन हा इहा ले जल उठा के छत्तीसगढ़ के छोटे बैजनाथ यानी गंधेश्वरनाथ महादेव से। यहाँ एक कुंड भी है जिसका पहला स्रोत दूध के समान सफ़ेद होने के कारण इसका नाम श्वेत गंगा रखा गया। इसे श्वेत गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इस गांव का नाम है ब्रह्मानी या बमनी। इसी गांव के नाम पर यहां विराजमान शिवलिंग जी का नाम श्री ब्रह्मनेश्वर महादेव जी रखा गया है। यहां यह मंदिर बधनई नदी के किनारे उत्तर छोर पर बनाया गया है। इस कुंड में जल का स्रोत हमेशा बना रहता है। यात्री ब्रह्मनेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करने के बाद अपने अगले पड़ाव अर्थात चौथे मंदिर की ओर किंफगेश्वर नगर की ओर चल पड़ते हैं। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ जरूर आइए। यहाँ श्वेत गंगा की आरती हर शाम को किया जाता है। श्वेत गंगा यहाँ कुंड से निकल कर बधनई नदी में मिल जाती है। यहाँ पास में ही नर्मदेश्वर महादेव जी का भी मंदिर बनाया गया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।